जय सुरारी जय त्रिपुरारी कहि मुनि सब संता चंचल नर नारी अति दुख भारी मुक्त करम भगवंता। भगवान नारायण के पास में जाके निवेदन की, महाराज ये जालंधर तो मर ही नहीं रहा है, इनकी पत्नी पतिव्रता है, महाराज आप ऐसी लीला करो कि पतिव्रता धर्म भंग हो जाए। भगवान बोले किसी नारी के पतिव्रता धर्म को भंग करना सबसे बड़ा दोष है, मैं नहीं जाऊंगा। तो बोले महाराज आप नहीं जाओगे तो जालंधर हजारों लाखों करोड़ों नारियों के पतिव्रता धर्म को नष्ट कर देगा, क्योंकि रोज रोज वो कई कई कन्याओं का हरण करके ला रहा है, अपनी रानी बना रहा है। इसलिए महाराज सबके कल्याण के लिए आपको जालंधर को मारना ही होगा, वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना ही होगा। अब तो भगवान नारायण सोचने लगे, एक वृंदा के पतिव्रता धर्म भंग करने से अगर लाखों नारियों का पतिव्रत धर्म बचता है तो मैं ये काम जरूर करूंगा। भगवान जालंधर बन गए और जालंधर बन करके भगवान आ गए वृंदा के पास, और इधर भगवान भोले बाबा लड़ने लगे जालंधर के साथ। वृंदा देखने लगी मेरे पति देवता आए हैं, ये वृंदा बड़े प्रेम से उनके चरण की सेवा की, चरण पखारी, भोजन कराने के लिए भीतर ले गई, भोजन परोसी, और शयन का जब समय आया तो वृंदा जो है भगवान के चरण की सेवा करने लगी पति मान करके। और एक पतिव्रता नारी अगर पति के भाव से किसी पराये पुरुष के चरण को भी स्पर्श कर लेता है, पतिव्रता धर्म भंग हो जाता है, पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाता है। आज वृंदा का पतिव्रता धर्म नष्ट हुआ, और इधर भगवान भोले बाबा त्रिशूल चलाए जालंधर को मार डाले, जालंधर की मृत्यु हो गई। जैसे ही जालंधर की मृत्यु हुई वृंदा जान गई ये मेरे पति नहीं है, कौन हुआ। तो भगवान अपने असली रूप में आए, ससंक चक्रम सकरीत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरुषे भिक्षणम चतुर्भुजम। भगवान अपने असली रूप में आए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर। वृंदा बोलने लगे महाराज मैं तो सुनी थी आपका हृदय कोमल है, पर मेरे जैसे नारी के पतिव्रता धर्म को भंग करने के लिए इतने कठोर बन गए, आपका हृदय कोमल नहीं है, आपका हृदय तो पत्थर जैसा कठोर है, जाओ मेरा श्राप है पत्थर बन जाओ। और वृंदा के श्राप से भगवान पत्थर बन गए, शालिग्राम बन गए। पर भगवान वृंदा को आशीर्वाद दे, वृंदा तो तुलसी बनेगी, और जब तक कि तुलसी मेरे ऊपर में चढ़ाया नहीं जाएगा मेरी पूजा अधूरी रहेगी, जब तक कि मेरे भोग में तुलसी का पत्ता डाला नहीं जाएगा मैं भोग को स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए भगवान के भोग में तुलसी पत्ता डालते हैं, इसलिए भगवान में तुलसी का पत्ता चढ़ाया जाता है। राम में तुलसी पत्ता चढ़ाना चाहिए, श्याम में तुलसी पत्ता चढ़ाना चाहिए, शालिग्राम में तुलसी पत्ता चढ़ाना चाहिए, पर गणेश जी में तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाना चाहिए, उनके ही श्राप से जड़ बनी है। तो गणेश जी में तुभी चढ़ाना चाहिए, तुभी चढ़ाने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं, इसलिए गणेश जी में तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए, तुभी चढ़ाना चाहिए, उनको अर्पित करना चाहिए। भगवान शालिग्राम बन गए और तुलसी जो है शालिग्राम के ऊपर में चढ़ने लगी। आज भी हम शालिग्राम की पूजा करते हैं, तुलसी चढ़ाते हैं, साधु बाबा शालिग्राम की पूजा करते हैं, चंदन लगाते, गुलाब लगाते, कुमकुम लगाते, सुंदर शालिग्राम की पूजा करते, और शालिग्राम की पूजा करते भक्ति